सीआरपीएफ की का परिवार है वो मैं जानती हूँ आप लोग बहुत बहुत अलग अलग जगहों से आज का लेक्चर सुन रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके बीच में हूँ और उस चीज के ऊपर बात कर रही हूँ जो आज पूरी दुनिया की चिंता है। आपने पेड़ों का जो की जो बात करी वो एक चिन्ह है जो एक बहुत बड़ी दुनिया की चिंता है। आज जलवायु परिवर्तन के कारण अगर आप विकसित देश ले या विकासशील देश ले कोई भी देश के अंदर आज जलवायु परिवर्तन जिसको अंग्रेजी में क्लाइमेट चेंज कहते हैं उसके कारण पूरी दुनिया जानती है कि उसके सामने एक प्रलय जैसी स्थिति आ सकती है। आज हम कोविड के कारण देख रहे हैं कि बहुत बड़ा डिसरप्शन है हमारी दुनिया में। आप किसी ने सोचा भी नहीं था अगर हम सब आज बैठे हैं मास्क पहन के बैठे हैं बहुत सारे हम लोग घर पे काम कर रहे हैं पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई है। अगर आप जनवरी में मुझसे ये पूछते कि क्या आज दुनिया की पूरी इकोनॉमी के ऊपर इस तरह से ताला लग जाएगा हम सब हंसते और कहते कोई संभव ही नहीं। मगर आज आप सोच लीजिए कि वो क्या उसको अंग्रेजी में जैसे बार बार मैं कहती हूँ कि वो डीएनए भी नहीं है वो माइक्रोब है एक आरएनए है एक इतना छोटा सा कि उस मगर उसने पूरी दुनिया का आज बुरी हालत कर दी। इसी तरह से अगर आप सोचें जलवायु परिवर्तन का जो आज आप देख रहे हैं हमारे देश के अंदर किस तरह से मानसून वर्षा जब आती है तो बहुत जोरों से आती है एक्सट्रीम रेन इवेंट होता है। कभी कभी सोचा नहीं था कि पहले जब वर्षा आती थी तो धीरे 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 होती थी आज अगर जब वर्षा आती है तो उसके बाद बाढ़ आती है क्योंकि वर्षा का जो एक्सट्रीम नेचर हो गया है वो जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। आप लोग अलग अलग जगहों में हैं तो आप ये भी जानते हैं इस साल अगर आप देखें तो साइक्लोन पहले आया हमारी बे ऑफ बंगाल के अंदर फिर साइक्लोन आया आपका अरेबियन सी के अंदर और वो दोनों जो साइक्लोन जो तूफान आए थे उसका जो इंटेंसिफिकेशन कि बहुत ज्यादा साइक्लोन होते जा रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है इसका पूरा जो लिंकेज है वो है जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि विकसित दुनिया अपने विकास के लिए उसने जो प्रदूषण पूरे पूरी दुनिया में फैलाया उसके कारण जो हमारा आसमान है जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर आज इतना प्रदूषण है कि उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज के कारण आज वैज्ञानिक बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल साफ तरीके से बता रहे हैं हमें कि आने वाले समय में ये चीजें बदलती जाएंगी और भी ज्यादा हम देखेंगे कि तूफान आएंगे बारिश जब होगी तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नेचर की बारिश होगी और अब बारिश ऐसी भी होगी कि बारिश पहले बाढ़ और उसके बाद सूखा और ये जो पूरा एक एक सिनारियो है कि ये चीजें बदलती जा रही हैं। आपने पूरे साल में जब साल जनवरी में शुरू हुआ था आपने पढ़ा होगा ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी और पूरी तरह से आग लगी थी उसका कह रहे थे कि इतनी गर्मी पड़ी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतने दिनों से गर्मी पड़ी है और वो भी जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। आर्टिक में आज आग लग रही है उसका भी पूरा जो रिलेशनशिप है वो जलवायु परिवर्तन के कारण। मगर ये भी सोचने की बात है कि जैसे जलवायु परिवर्तन का जो प्रलय है वो बढ़ता जाएगा ये भी हमारे को भारत में ये समझना पड़ेगा कि हम करें क्या और इसमें जो विकास करने के जो हमारे तरीके हैं इनके ऊपर हमें फिर से सोचना पड़ेगा और इसी में जो ट्री प्लांटेशन वृक्षारोपण का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि जलवायु परिवर्तन को अगर रोकना है
कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करना है तो आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे। अगर आपको जलवायु परिवर्तन का जो सबसे बुरा असर आएगा वो आएगा किसान गरीब की दुनिया में, वहां पर वृक्षारोपण का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर हम पेड़ लगाएंगे पेड़ों का लाभ मिलेगा लोगों को, धरती बचेगी। आपने जैसे पहले अपने भाषण में जो आप बता रहे थे किस तरह से पेड़ों के कारण हम एक जंग जीत सकते हैं, एक वो और नहीं की जंग है जिसको हम जीत सकते हैं, और यही एक सबसे बड़ा सवाल हम सबके सामने। इसीलिए मुझे जब मैं आई आज और मैंने आपके बारे में, आपके जो कार्यक्रम है उसके बारे में सुना और ये भी सुना कि किस तरह से आप लोग सब जुड़ रहे हैं और आप पेड़ लगाएंगे, आप ग्रीन वॉरियर बनेंगे, आप हर एक सीआरपीएफ की जो फैमिली के सदस्य हैं वो ग्रीन वॉरियर बनेंगे, ये बहुत बड़ा काम है। और मुझे लगता है कि आपको भी बहुत इसमें बहुत का अच्छा लगेगा कि आप इस चीज इस पूरे मुहिम के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ये जो मुहिम है ये एक बहुत बड़ा स्तर का है। मैंने आपसे जलवायु परिवर्तन की बात करी, आप एक बात और सोच लीजिए कि हमारे जो शहरों के अंदर आज हम सांस नहीं ले पा रहे। ये जरूर है कि जब लॉकडाउन हुआ कुछ महीनों तक दिल्ली के अंदर हवा बिल्कुल साफ हो गई, हम सब कहने लगे कि देखिए पहली दफे हम चिड़ियों की आवाजें सुन रहे हैं, ये क्या हालत हो गई है आप सोच लीजिए समाज की, कि हमने चिड़ियों की बोलने की आवाज ही नहीं, उनकी ये हालत हो गई है कि हमने साफ हवा नहीं देखी, हमने एक नीला आकाश नहीं देखा इतने दिनों तक, और वो लॉकडाउन के कारण कुछ हद तक प्रदूषण का स्तर कम हुआ। मगर बार बार मैं ये कहती हूँ कि देखिए लॉकडाउन के कारण पूरी इकोनॉमी इतनी रद खत्म हो गई और गरीब हमारे देश के अंदर जो हमने देखा किस तरह से जो लेबर है हमारे शहरों को छोड़ के उनको जाना पड़ा क्योंकि नौकरी बिल्कुल खत्म हो गई। इस तरह से हमें पर्यावरण की हम लोग नहीं बचा सकते, ये कोई तरीका नहीं है जिससे हम साफ हवा ले सकें। तो हमें चाहिए विकास मगर हमें चाहिए साफ हवा, और यही सवाल अब आएगा जब आप विंटर की तरफ जाएंगे, सर्दियां बढ़ेंगी और उसके साथ हवा फिर ऐसी खराब हो जाएगी कि हमारे फेफड़ों के अंदर जैसे हम सांस लेंगे हमारे फेफड़ों के अंदर आप सोच लीजिए कि आप शहर की सांस ले रहे हैं। तो उस किस में का विकास चाहिए जिससे हम विकास भी कर सकें मगर हमारे हम सांस ले सकें, हमको साफ हवा मिल सके, और यही सवाल मुझे लगता है पर्यावरण का जो सवाल है ये इसी तरह से हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। और ये हो सकता है, आप अगर दिल्ली का उदाहरण लें, दिल्ली के अंदर काफी साल पहले जब इस तरह से हवा दूषित हुई थी तब भी ये बात हुई थी कि कुछ करना चाहिए, उस वक्त सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस आई थी पूरे शहर के अंदर, उसके कारण जब गाड़ियां सीएनजी पर चली प्रदूषण कम हुआ, हम लोगों ने कुछ सालों तक साफ हवा देखी, हमने आकाश में तारे देखे, मगर फिर गाड़ियों की संख्या बढ़ गई। आज जो इंडस्ट्री ईंधन इस्तेमाल करती है वो इतना खराब ईंधन इस्तेमाल करती है, उसके कारण प्रदूषण हो रहा है। आपने बहुत सही कहा कि जो कचरा है वो हम लोग पूरी तरह से उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, वो कचरा हम जला देते हैं, उसके कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो प्रदूषण का अगर आप समाधान देखें तो वही समाधान होगा कि आप शहरीकरण किस तरह से करेंगे जिसमें हम सबको सामूहिक ट्रांसपोर्ट के तहत लोग चल सकें, उनके पास
बस हो, मेट्रो हो, साइकिल हो, सड़क पे चलने की जगह हो। आज हमने शहरों की ये हालत कर दी है कि अगर आप साइकिल से यातायात करना चाहें तो आपकी बुरी हालत होगी। अगर आप चलना चाहें और आप सड़क को क्रॉस करना चाहें तो आपकी बुरी हालत होगी। अगर आप पास की मार्केट में जाना चाहें तो आप गाड़ी लेके जाएंगी, आप चल के नहीं जाएंगी। आप बच्चों को नहीं कहेंगी कि अगर आप मार्केट जा रहे हैं आप पैदल जाएंगे, क्योंकि सुरक्षा नहीं है। क्योंकि हमने शहर इस तरह से बनाया कि हमने अपनी सड़कें ऐसी बनाई कि हमने ये नहीं सोचा कि हमें जो कमजोर है, जो साइकिल चलाते हैं, जो चलते हैं, उनके लिए पहले सोचे। मगर आज सोच बदल रही है। मैं देखती हूँ कि किस तरह से सरकारें सोच रही हैं कि शहर जब बनाए, जब सड़कें बनाए तो किस तरह से पहले पेवमेंट बनाए, किस तरह से पहले ये सोचें कि साइकिल पे जो चलते हैं उनके लिए सुविधा हो। अगर ये होगा तो हमारी हवा भी साफ होगी, क्योंकि जिस तरह से हम आज, अगर आप दिल्ली का उदाहरण ले लें तो दिल्ली के अंदर कुछ 20-25% लोग निजी गाड़ी में चलते हैं, गाड़ी से चलने वाले 15% लोग हैं, बाकी के टू व्हीलर पे चलते हैं 30% के करीब। तो अभी भी 70% लोग मेट्रो, बस या पैदल या साइकिल पे चलते हैं। और अगर आने वाले समय में हम सोचें कि अगर खाली 30% लोगों के कारण दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित हो गई है तो आप 70% लोगों के लिए कहाँ जगह ढूंढेंगे? तो उनके लिए और हम सबके लिए अगर हम ऐसा यातायात बनाए कि हम सब मेट्रो ले सकें, हम सब पैदल चल सकें, हम सब साइकिल पर चल सकें, तो हम एक नए शहर का की इंजीनियरिंग करेंगे। तो यही चीज पूरी दुनिया में आज बात हो रही है। मैंने अपनी बात शुरू करी थी जलवायु परिवर्तन के साथ, उसी से मैं जोड़ना चाहूंगी इस बात को। क्योंकि अगर आप जलवायु परिवर्तन की बात करें, पूरी दुनिया ये कह रही है कि आज जो विकास के जो तरीके हैं, जिस तरह से हमने गाड़ियों पर निर्भर होके अपने शहर बनाए, वो तरीके हमें बदलने पड़ेंगे। और जब पूरी दुनिया, मगर अगर आप विकसित देशों की बात करें तो वहाँ अभी भी मैं समझती हूँ कि वो लोग बहुत पीछे हैं आपसे, क्योंकि अभी भी वो लोग छोटे छोटे तरीके ढूंढ रहे हैं एक बहुत बड़ी समस्या। मगर हमें ताकत है कि हम ढूंढे ऐसा एक बड़ा तरीका जिसमें हम विकास भी करें और हम अपनी हवा भी साफ रख सकें और पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सके कि हम विकास के साथ पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है किस तरह से हम आगे बढ़ सकें। और इसीलिए जब पर्यावरण की बात आती है, जब प्रदूषण की बात आती है, मुझे एक अब इस देश में बहुत ताकत दिखती है, एक ताकत, एक नई सोचने की ताकत कि हम अलग सोच सकते हैं, अलग तरीके से सोच सकते हैं और उसके ऊपर हम लोग अमल भी कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपने नदियों की बात की, मैं नदियों की बात करना चाहती हूँ क्योंकि इस चीज़ के ऊपर हम लोगों को बहुत दुख होना चाहिए, बहुत दुख होना चाहिए। हम एक जेनरेशन है और मैं सब को देख रही हूँ जो सब हम साथ बैठे हैं, हम एक जेनरेशन है जिनने हमारी सबसे बड़ी विरासत, और इससे बड़ी कोई विरासत नहीं हो सकती, सबसे बड़ी विरासत वो है नदी की विरासत। हमने नदियों को खो दिया, अपनी नदियों को अपने सामने खो दिया। मैं दिल्ली की पुरानी दिल्ली से, अगर आप देखें मेरे शहर के अंदर एक नदी जिसको साहिबी नदी कहते, साहिबी नदी थी जो अरावली से निकल के यमुना में बहती थी। आज उस नदी का नाम अगर मैं आप लोगों
नदी का नाम है नजफगढ़ नाला। हमने उस नदी को नाला बना दिया और अपने जेनरेशन में बनाया है। साहिबी नदी को नाला बना दिया। आप में से कोई मुंबई से है तो मैं आपको बताऊंगी कि जो दिल्ली ने कहा करा वही मुंबई ने करा। मिथी नदी थी, उसको अगर आप मिथी के बारे में पढ़ें तो 20 साल पहले उसको कहा जाता था नदी, आज मिथी को नाला बना दिया। कोई लुधियाना से है तो मैं आपको बताऊं बुद्धा नाला के बारे में, आज उसको गंदा नाला कहते हैं। वो फ्रेश वाटर पेरिनियल नदी थी। ऐसी चीज जो आपके सोचिए हम लोग विरासत क्या होती है। अगर विरासत वही होती है जो आपको मिली और आपने उस विरासत को खो दिया, और नदी की विरासत को ये सोच लीजिए। और आज मैं एक मैं बार बार कहती हूँ आप लोग आपको ये समझ लीजिए, आज यमुना का डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल जब दिल्ली से बहती है जीरो डीओ लेवल। अब किसी चीज का डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल अगर जीरो होता है तो आप मान सकते हैं कि वो मरी हुई चीज है। दस बीस साल बाद कहीं यमुना भी नाला नहीं हो जाए और जो जेनरेशन आए वो कहे कि किसी दिन किसी टाइम दिल्ली के पास ही एक नदी थी, उस नदी का नाम था यमुना, आज हम उस नाला कहते हैं। उसका डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल जीरो है, उसकी हमने टेक्निकली मौत कर दी है। हाँ, ये दूसरी बात है कि उसका ऑफिशियल क्रिमेशन नहीं हुआ है अभी, मगर टेक्निकली साइंटिफिकली वो मरी हुई चीज है और वो हमारे कारण मरी है। और इसलिए भी मरी है क्योंकि आज भी, और आप ये भी सोच लीजिए, देखिए इसमें मैं ये चीजें नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं नहीं मानती कि सरकारें इन चीजों को नकारती हैं। अगर आप देख लीजिए पिछले 20 सालों में हर सरकार की कोशिश रही है कि यमुना को फिर से जीवित करें, हर सरकार की कोशिश रही है कि हम बहुत कुछ करें जिससे गंगा यमुना कावेरी हमारी हर नदी फिर से बहे। मगर इसीलिए जो नई समझ मैंने ये बात शुरू करी है कहने के लिए कि जो सोच है समझ है उसके साथ हमें नए कदम उठाने पड़ेंगे। अगर आप नदियों की बात सोचें तो पूरी दुनिया में नदी कैसे बचाई गई है। अगर आप थेम्स की बात करें, आप हडसन की बात करें, किसी भी नदी को ले लीजिए, उसका इतिहास पढ़ लीजिए तो आप देखेंगे कि जो यमुना की हालत आज है वही थेम्स की हालत थी 50 साल पहले, कोई अलग नहीं। थेम्स को साफ करने के लिए शहर बने, शहर के साथ उनने अपना जो अंडरग्राउंड सूरेज है वो बनाया, उसके साथ उसको इंटरसेप्ट करके ट्रीटमेंट प्लांट पे ले गए, साफ करके नदी को बनाया, बहुत अच्छा किया, ना कुछ हद तक थेम्स साफ हो गई। अब हमने भी वही तरीके अपनाए, हमने भी पिछले बहुत सालों में जब गंगा को बचाने की बात हुई, यमुना को बचाने की बात हुई तो हमने भी सोचा जब अगर ब्रिटेन ने यही किया तो हमें भी यही करना चाहिए। मगर एक बहुत क्रिटिकल डिफरेंस है और ये डिफरेंस हम लोगों को नकारना नहीं चाहिए, हमारी वीकनेस नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ भी बन सकती है। आज अगर आप ब्रिटेन देखें तो वहां पर पूरी तरह से शहर के अंदर अंडरग्राउंड सीवरेज है, हर शहरवासी के पास एक टॉयलेट है, टॉयलेट के साथ अंडरग्राउंड सीवरेज है, फ्लश टॉयलेट है, जो भी है,
उसके साथ अंडरग्राउंड सीवेज। आप हमारे देशों में देखिए, दिल्ली शहर ले लीजिए, बाकी के शहरों की बात अगर करूंगी तो वो तो दिल्ली से और भी दूर है, दिल्ली शहर ले लीजिए। तो दिल्ली के अंदर कुछ 40% दिल्ली शहर के अंदर ऑफिशियली कनेक्शन है अंडरग्राउंड सीवेज के साथ, खाली 40%। 60% शहर के अंदर अंडरग्राउंड सीवेज के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। और बहुत सारे हमारे देश के अंदर लोग और आज भी शहर के अंदर लोग, उनके पास ऐसी टॉयलेट की सुविधा नहीं है कि टॉयलेट हो, फ्लश टॉयलेट हो, उसके साथ एक अंडरग्राउंड आपने फ्लश किया, आपको पता भी नहीं कहाँ गया, जिसको मैं अंग्रेजी में कहती हूँ फ्लश एंड फॉरगेट मेंटालिटी। फ्लश किया, कहाँ गया, क्या फर्क पड़ता है, वो तो सरकार की प्रॉब्लम है, दिल्ली जल बोर्ड की प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है। मगर हमारा फ्लश टॉयलेट यमुना से जुड़ा हुआ है, ये याद रखिए, हर बार फ्लश करते हैं तो आपका फ्लश यमुना में ही जाता है, मगर हमारा इसलिए जाता है क्योंकि हमारा अंडरग्राउंड स्टोरेज से कनेक्टेड है, बाकी के शहर के अंदर वो कनेक्शन भी नहीं। तो अब जो बात हो रही है और पूरे देश के अंदर यही हो रहा है कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी गलत थी, क्या हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हमें अफोर्डेबल सैनिटेशन सबको देना है, हमें सबको पानी देना है, हर हर शहरवासी, हर देशवासी के पास पानी होना चाहिए, जल होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये अपनी मुहिम बनाई थी और उसके साथ एक टॉयलेट होना चाहिए, मगर टॉयलेट का कनेक्शन क्या खाली अंडरग्राउंड सिस्टम से होगा, क्या एक नया तरीका हम अपना सकते हैं? और ये एक बहुत बड़ी जो एक समझ निकल के आई है इस देश से, ये एक उदाहरण बन सकती है पूरी दुनिया के लिए। जब ब्रिटेन ने अंडरग्राउंड सूरज का तरीका बनाया तो वहां पर कॉलेरा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो हमने कहा कि हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें हम पानी इस्तेमाल करेंगे और उसमें निकास का पानी जो है वो पानी के साथ फ्लो में जाएगा और फिर साफ करके हम नदी में डालेंगे। आज इस देश में बात हो रही है कि पूरी देश में लोगों की जो टॉयलेट्स हैं वो कनेक्टेड हैं, अंडरग्राउंड सूरज से कनेक्टेड नहीं है, वो है सेप्टिक टैंक से कनेक्टेड। तो क्या आप सेप्टिक टैंक की टेक्नोलॉजी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उसको साफ करें और फिर से जमीन पर डालें? आज हम कार्बन साइकिल की बात करते हैं, उसके साथ है नाइट्रोजन साइकिल, तो मैं श्योरी आप जानते हैं इसको। नाइट्रोजन साइकिल वही हुआ कि आपने कुछ खाया, खाने के लिए आपने धरती से नाइट्रोजन और फास्फोरस भेजा, वो आपके खाने में। अब उस खाने को अगर आपने अपना जो एक्सक्रीटा है उसको आपने फिर से साफ करके पानी में डाल दिया तो नाइट्रोजन साइकिल बिल्कुल खत्म हो गया। अगर आपने उसी चीज को लेके साफ करके फिर से धरती पे डाला, आपने कॉम्पोस्ट बनाया, आपने मैन्योर बनाया, तो आपने उस साइकिल को रिस्टोर किया। और ये पुराना तरीका होगा, अगर आप में से तो आप लोग तो अलग अलग जगहों, इस देश को तो आपसे ज्यादा कोई जानता नहीं होगा, अगर आप लद्दाख में जाके देखें तो वहां पर तो पूरा तरीका था कि अगर जो पूरा मैन्योर है वो फिर से जमीन पे जाता है, गांव में भी यही एक ताकत थी कि जो मैन्योर है वो जमीन पे जाता था। अब क्या वो तरीका हम लोग मॉडर्नाइज कर सकते हैं? आज एंजाइम की बात होती है, आज पैथोजेंस को रिमूवल की बात होती है, किस तरीके से आप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एंजाइम बना सकते हैं, आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, आप फिर से जमीन पे डाल सकते हैं। अगर आप में से किसी के पास समय हो, आप कभी हमारे दफ्तर आइए, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशन एरिया में हम लोग, और छोटा सा अपना ही दफ्तर है, सीएससी का जो दफ्तर है, वहाँ पर हम पूरा अपना निकास का पानी अपने आप ट्रीट करके उस पानी को फिर से इस्तेमाल करते हैं और जो सूरज है उसको पूरी तरह से ठीक कर। यही एक नया तरीका निकल गया है। और आज जो अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय है, गंगा की जो मिशन डायरेक्टरेट है,
वो सब यही बात कर रहे हैं कि क्या हम लोग सैनिटेशन और स्वेज को ट्रीटमेंट का जो तरीका है उसको बदलेंगे तो हमारी नदियां भी साफ होंगी, वो एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन होगा। अगर आप शहर के अंदर उसी स्वेज को कलेक्ट करके आप उसका मैन्योर बना के फिर से आप जमीन पे डाल सकें, आप देख लीजिए। आई मीन मेरी मैं जानती हूँ कि जब हम लोग पहले जमाने में फोन कितनी मुश्किल से करते थे और हम सब जानते हैं लैंडलाइन मिलने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और आपको कहीं ना कहीं से सिफारिश लेके जाना पड़ता था कि हमें एक फोन का कनेक्शन मिल जाए। आज आप और मेरे पास मोबाइल है, सबके पास कनेक्शन है। आज मैं सबसे बात कर रही हूँ वो भी वेब लिंक पे बात कर रही हूँ, क्यों? सैटेलाइट कनेक्शन। हमने एक तरीका, एक नया तरीका अपनाया लैंडलाइन से हटके, आपने एक मोबाइल तरीका अपनाया जिससे आपने सबके पास आज कम्युनिकेशन का एक तरीका है, अफोर्डेबल है, फास्ट है और हम सब कनेक्टेड। आज ये बात हो रही है कि क्या ग्रिड कनेक्शन ही बेस्ट है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कि अगर आप सोलर एनर्जी लें, सूर्य ऊर्जा लें, तो क्या आप अपने घर पे जो लगाएंगे, और आपने तो किया है अलग अलग जगह, आप वो लगाइए और अपने पास जो इलेक्ट्रिसिटी है आप अपने घर में ही इस्तेमाल करिए। आपने डिसेंट्रलाइज तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन भी किया, जनरेशन भी किया, इस्तेमाल भी किया, और क्योंकि आप इस्तेमाल अपनी एनर्जी का करेंगे आप ये बार बार सोचेंगे, देखिए मैं इसको ध्यान से करूँ, मैं क्या लाइट कम इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं क्या इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिसिटी कम इस्तेमाल। यही सवाल आता है आज पानी के साथ, यही सवाल आता है आज स्विच के साथ कि क्या आप ऐसे तरीके अपना सकते हैं जिससे हम सब इस चीज के साथ जुड़ सकें। और यही इसीलिए जब नदियों का सवाल आता है मुझे आज एक होप है कि अगर हम एक ये नया तरीका अपनाएंगे, हम ब्रिटेन की तरह नहीं, हम अमेरिका की तरफ नहीं देखेंगे, हम अपनी तरफ देखेंगे और सोचेंगे हमारे शहरों की क्या जरूरत है। हमारे शहरों की ये जरूरत है कि सबको आज एक टॉयलेट मिले, फंक्शनिंग टॉयलेट होना चाहिए, उसमें पानी होना चाहिए और ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो उसका एक्सक्रीटा है उसको हम कलेक्ट कर सकें, उसको हम ट्रीट कर सकें। यही चीज आती है जहां पानी का सवाल। आप अगर पानी के बारे में सोचें, और मैं थोड़ा सा अलग अलग चीज़ों के बारे में आप लोगों से बात करने की कोशिश आज कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि डॉक्टर महेश्वरी ने जब शुरुआत करी बिल्कुल सही तरीके से मुझे एक दिशा दिखा दी कि इसको आप थोड़ा बड़ी तरीके से जो अलग अलग चीज़ें हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है उसके बारे में बात करें। पानी का यहाँ सवाल, पानी का जो सवाल है मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पानी को रोकने का जो एक तरीके है वो आप ये सोच लीजिए कि हमको हमारी परंपरा से जो सीख मिली है वो कहीं और से नहीं मिल सकती। आप लोग पूरे इस देश को जानते हैं, मैं आपको उदाहरण दूंगी और मैं आपको ये भी कहूंगी कि आप इसके बारे में जब आप लोग अलग अलग जगह वेस्ट है आप एक अगर एक प्रोजेक्ट ले लें कि देखें और समझें कि पहले तरीके क्या थे पानी के। अगर आप हिमालय से शुरू करें तो वहां पर एक पूरा भूल का तरीका था कि स्प्रिंग का पानी था और उसके अंदर आपने लंबी लंबी भूल बनती थी जिससे पानी का संरक्षण होके उसको आपने खेत खेत तक पहुंचाया। लद्दाख में चुरपुन का एक तरीका था क्योंकि वहां पर जब ग्लेशियर मेल्ट करता है, जिस समय में ग्लेशियर मेल्ट करता है बहुत छोटा सा, और उसको सबको पानी मिले और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पानी का, उसका मैनेजमेंट के लिए एक विलेज का एल्डर होता जिसको चुरपुन। हिमालय के अंदर मैंने कुल की बात करी,
अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान में हर घर के अंदर पानी के संरक्षण का तरीका, हर रूफ टॉप पे, आज हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, कहाँ से सीख मिली इसके बारे में? हमें मिली अपनी परंपरा से, जहां पर लोगों ने सीखा किस तरह से पानी के साथ जीना है, कम पानी के साथ जीना, ज्यादा पानी के साथ भी कैसे जिए और कम पानी के साथ भी कैसे जिए। आप राजस्थान की बात देख लें, राजस्थान में आप जोधपुर जाएं, आप लोग गए होंगे जोधपुर, आज जोधपुर में जाएं तो वहां पर एक रानी महल, रानी सर है और फिर एक कदम सर है। क्यों? क्योंकि आपने पीछे जो, अगर आप जोधपुर का किला अपने आंखों के सामने रखें तो उसके पीछे जो पहाड़ है, पहाड़ों से जो पानी आता है वो पहले पानी आता है रानी सर में, क्योंकि अगर कभी लड़ाई हो तो वहां पर रानी सर में पानी जरूर होना चाहिए। उसका जो सीपेज है, फ्लो है, वो जाता है आपके पदम सर, जिसमें सबके पास पानी है, और उसका जो फ्लो है वो नीचे जाता है शहर के अंदर, जिससे हर बावड़ी में, हर स्टेप वेल के अंदर पानी। हमने क्या किया, हमने पहले तो पहाड़ों को तबाह कर दिया, क्योंकि उसमें हमने खनन किया तो पहाड़ों से पानी नहीं आ रहा है। दूसरा, हमने कहा कि हमें क्यों चाहिए जोधपुर के अंदर रानी सर, पदम सर, बावड़ी, कुएं, हम तो लाएंगे राजस्थान के नल से पानी। आज जोधपुर के अंदर पानी की हालत ये हो गई है कि एक तो पानी का दाम बढ़ गया है, दूसरा जब वर्षा होती है तो बाढ़ आती है। आज जयपुर में बाढ़ क्यों? क्योंकि आपने अपने तालाब खत्म कर दिए, आपने जो पानी के रोकने के तरीके थे वो खत्म कर दिए, क्योंकि जो एक बूंद भी वर्षा पड़ती है, बूंद बूंद वर्षा, उसको रोकने का जो आर्ट होती है, जो एक कला होती है, और वो कला इतनी महान कला है क्योंकि हर प्रांत में एक अलग तरीका है। आप मध्य प्रदेश चले जाए, वहां पर अलग तरीके जिससे किसान पानी को रोकता है। अब बिहार चले जाए, बिहार के अंदर बाढ़ के पानी को रोकने के तरीके हैं, क्योंकि बिहार जानता है कि बाढ़ तो आएगी, बाढ़ को आप नदी को बांध नहीं सकते, मगर बाढ़ का पानी अगर आपने ऐसा संजोया कि उसको आपने फैला दिया तो आपको बाढ़ के पानी से भी खाना मिलेगा, मगर बाढ़ के बाद आपका जो ग्राउंड वाटर है, भूजल है, उसका स्तर बढ़ेगा और आपको फर्टिलिटी बढ़ेगी आपकी जमीन पर। हर किसी भी एरिया में चलेगा सबसे, अगर आप सैटेलाइट इमेज देखें, और मैं, हम लोगों ने एक किताब निकाली थी डॉक्टर 90 के दशक, जिसको हमने टाइम विस्टम कहा, हर प्रांत के बारे में जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग उसके बारे में लिखा है। उसमें जो एक फोटोग्राफ है जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती, वो है रामनाथपुरम। रामनाथपुरम के अंदर अगर आप सैटेलाइट इमेज देखें तो उसके अंदर टैंक 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 के बाद, क्योंकि वहां पर कला थी कि हर टैंक को दूसरे टैंक से जोड़े, जिससे जितना भी वर्षा का पानी हो उसको आप संजो सके। अब यही कला हमें वापस लानी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के साथ जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में बात करी वो है कि वर्षा ज्यादा आएगी, बेमौसम आएगी, ज्यादा आएगी। इसका मतलब हमें वही कला चाहिए कि हर बूंद वर्षा की रोकनी पड़ेगी, क्योंकि वर्षा आएगी, पानी बहेगा, उसके बाद सूखा आएगा। तो जो कला चाहिए हमें वो है वर्षा को रोकने की, अपने भूजल के स्तर को बढ़ाने की, तालाब को बचाने की, बनाने की। मगर ये भी याद रखिए, हर तालाब के साथ है उसका आबोर, उसका कैचमेंट एरिया। हर प्रांत इस देश के अंदर आबोर की पूजा करता है, क्योंकि कैचमेंट जो होता है तालाब का, वो तालाब से ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपका कैचमेंट नहीं होगा तो आपका पानी नहीं बहेगा। आज हम जब तालाब बनाते हैं
जैसे एक गड्ढा हो, मगर गड्ढा के अंदर पानी तभी आएगा जब गड्ढे के आसपास जो जंगल है, जो उसका कैचमेंट है, उसको हम उसके साथ जोड़ सकते। तो यही कला हमें फिर से लानी पड़ेगी, क्योंकि आज की जो चुनौती है वो यही है कि किस तरह से हम अपनी विरासत के साथ, अपना जो पानी, अपनी जमीन है, अपने जो जंगल है, उनको किस तरह से हम अपने विकास के तरीके बना सकते। अगर हम पानी नहीं रोकेंगे, हम पानी की हर बूंद को नहीं संजोएंगे, तो आप ये याद रखिए, इस देश के अंदर सूखा 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 पड़ेगा। अगर हम निकास के पानी की हम अच्छी तरह से उसको ट्रीट नहीं करेंगे, उसको रिसाइकल नहीं करेंगे, उसको फिर से पानी नहीं बनाएंगे, उसको फिर से अपने तालाब में नहीं डालेंगे, साफ करके तालाब में नहीं डालेंगे, तो एक तरफ से जो हम कोरोना के साथ जो हम बार बार बात करते हैं कि आज कोरोना के कारण डिस्ट्रप्शन हो रहा है, कोरोना का डिस्ट्रप्शन क्या है, वही डिस्ट्रप्शन है अपने स्वास्थ्य का डिस्ट्रप्शन। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा अगर पुण्य है वो है साफ पानी। साफ पानी नहीं होगा तो आपका स्वास्थ्य कभी भी साफ नहीं हो सकता। आज सब लोग कहते हैं कि अगर कोरोना की जंग को जीतना है तो पानी के अंदर हाथ जरूर धो, मगर इस देश में और बहुत देशों में ऐसे लोग हैं जिनके पास आज भी साफ पानी है। तो वर्षा के पानी को रोकना, हर घर के अंदर वर्षा के पानी को रोकना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, और उसके साथ हमें तालाबों को जोड़ना, शहर के तालाबों को जोड़ना, निकास के पानी के बारे में सोचना और वृक्षारोपण के बारे में सोचना, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। आप एक चीज नहीं कर सकते और दूसरे को भूल सकते, आप सबको साथ लेना पड़ेगा। और इसीलिए डॉक्टर महेश्वरी, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि CRPF का जो वृक्षारोपण का एक बहुत बड़ा आपने मुहिम लिया है, इसके साथ अगर आप, क्योंकि आपके बहुत अलग अलग जगह आपके लोग रहते भी हैं, आपके बेसिस भी हैं, आपकी जहाँ पर आपकी कॉलोनीज हैं, अगर वहाँ पर अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बन सके जहाँ पर पानी, निकास का पानी, जंगल और उसके साथ तालाब, उन चीजों को अगर जोड़ के हम लोग प्लान करके आगे बढ़ सकें, क्योंकि जो दुनिया है और जब पर्यावरण का सवाल आता है उसके अंदर पेड़ एक बहुत बड़ी भूमिका पेड़ों की, मगर हमें पेड़ों की भूमिका जोड़नी पड़ेगी इन सारी चुनौतियों के साथ। ये चुनौती सबसे बड़ी जलवायु परिवर्तन की है, मगर उसके साथ हमारे देश में आज सबसे बड़ी चुनौती है विकास की, और विकास की जो चुनौती है उसके अंदर पेड़ों की जो भूमिका है सबसे बड़ी भूमिका है। अगर आप भारत का एक मैप अपने सामने रखें, उसके अंदर वो इलाके हैं, और मैं स्पेशली ये कहना चाहती हूँ कि CRPF एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एरिया से। आप देखिए वो इलाके हैं जहाँ पर हमारे जंगल सबसे ज्यादा है, वही इलाके हैं जहाँ पर हमारा पानी, हर नदी उन्हीं इलाकों से आती है। आप किस कोई भी बड़ी नदी ले लीजिए, जंगल और नदी साथ है। मगर आज ये भी है कि उन्हीं इलाकों में इस देश के सबसे गरीब लोग, आदिवासी लोग। तो जब हम पेड़ों की बात करते हैं और पेड़ों के लगाने की बात करते हैं, तो हमें ये भी सवाल जोड़ना पड़ेगा कि पेड़ कैसे लगाएं, किसके लिए लगाएं। मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी जब आपने समीर जी, जब आपने अपने प्रेजेंटेशन दिया, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी वो थी कि आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, स्थानीय लोगों के साथ काम कर रहे हैं। और CRPF का जो बहुत बड़ी भूमिका है वो यही रहेगी, मेरी जो मानना है
जो स्थानीय लोग जो गरीब हैं, जिनके लिए फिर एक विकास का ऑब्जेक्टिव है। अगर आप देख लीजिए, हम आज कहते हैं पेड़ काटो मत। मैं ऐसी पर्यावरणवादी हूँ जो कहूँगी आपसे पेड़ जरूर काटो, घर सब पेड़ के बनने चाहिए, मगर पेड़ लगाओ। पेड़ सबसे ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्स है। हम लोग समझते हैं कि पेड़ नहीं काटेंगे तो क्या, किस तरह से घर बनाएंगे, सीमेंट के बनाएंगे, एल्यूमिनियम के बनाएंगे, आयरन के बनाएंगे, वो तो सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। पेड़ एक ऐसा रिन्यूएबल रिसोर्स है जो पानी को भी रोकता है, जिसके कारण हमारी नदियां भी बहेंगी, मगर जिसकी ताकत ये भी है कि अगर पेड़ लगेंगे तो लोगों के हाथ में आमदनी आएगी, लोगों को, स्थानीय लोगों को एक विकास करने का मौका मिलेगा। डॉक्टर महेश्वरी, मुझे बहुत साल हो गए, मगर जब मैंने शुरू किया था अपना पूरा पर्यावरण का काम, मैं खुद को आंदोलन देखने गई थी चुनौती, तब ये मैं 80 के दशक की बात कर रही हूँ, तब जब मैंने गांव वालों, जब मैंने औरतों से बात करी थी कि आप क्यों पेड़ों की बात कर रही हैं, आप क्यों पेड़ों को बचाने की बात कर रही हैं, आपके पास तो इतनी चीज है, आपको विकास की जरूरत है, आपके सारे मर्द पलायन कर रहे हैं, गांव के अंदर आपको सुविधाएं चाहिए, तो आपको पेड़ों के बारे में कहां से, पेड़ों की चिंता के कहां से आई। उन्होंने जो मुझे बात कही वो मुझे आज तक याद है कि ये पेड़ हमारा जीवन है, और इन पेड़ों को लगाने के बाद हम जानते हैं कि कभी काटना पड़े अगर किसी की शादी हो तो वो पेड़ हमारे लिए बैंक है। और ये भी एक मेरी एक और लड़ाई जो चलती रहती है, वो यही चलती रहती है कि हमें पेड़ों की जो पूरी जो ताकत है वो लोगों के हाथ में। आज जो बैंकों का सवाल है, मैंने बहुत मेहनत करी थी ये कहके कि बैंकों को आप पेड़ से निकाल के एक आप ग्रास बना दीजिए। ग्रास बनाने से एक चीज बदली कि आज लोग बैंकों लगा सकते हैं, बैंकों काट सकते हैं, बैंकों को बेच सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं हम लोग अपने गाँव में, अपने अलग अलग जगहों में, तो मैं समझती हूँ पेड़ों की जो एक पूरी, आज हम पेड़ बचाने की बात, मगर इससे बड़ी बात ये होगी कि पेड़ हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारी वो ताकत है, हमारी जो जीवन की ताकत है, और हमारे को जो विकास चाहिए वो हमें उस उन पेड़ों से मिले। वो सबसे बड़ा मुझे लगता है एक सस्टेनेबिलिटी का अगर एक तरीका है, वो एक तरीका है। तो मैंने बहुत बहुत चीजों के बारे में बात कर ली, मगर मुझे लगता है मेरी कोशिश ये थी कि आप लोगों के सामने कुछ हद तक जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, मगर जो अप्रोचेस, क्योंकि ये अप्रोचेस सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है, मुझे अब 30 साल हो गए इस चीजों के साथ, 30 से भी ज्यादा 40 साल हो, और मुझे जो सबसे जो ताकत मिलती है वो मिलती है दिमाग की ताकत, एक जो करेज चाहिए कि हमें अलग तरीके से सोच सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। और मैं इस देश में देख रही हूँ कि वो हो रहा है, और उसी से जो आप लोग जब जुड़ रहे हैं तो आप खाली पेड़ों की मुहिम के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, आप एक बहुत बड़ी मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं कि किस तरह से इस देश में विकास हो। और वो जो एक सवाल है, उससे CRPF की जो पूरी का पूरा परिवार जब जुड़ रहा है, तो मुझे लगता है आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत बहुत